Good morning students. Today our topic is matrix. First of all, what is matrix? Matrix की हिंदी matrix एक simple way है किसे कुछ numbers नो represent करना। जब मैं suppose करो थोड़ी class दे विच student है, suppose first year दे विच जो student है, अब कुछ boys होंगे and कुछ girls होंगी हैं। तो बॉयज़ जो है फर्स्ट ईयर दे विच सपोज 30 एंड गर्ल्स जो फर्स्ट ईयर च है 40 एंड सेम है सेकंड ईयर दे विच सेकंड ईयर च जो बॉयज़ है दैट इज़ 45 एंड जो गर्ल्स है दैट इज़ 20 एंड सेम फाइनल ईयर दी बॉयज़ जो होंगे सपोज दिस इज़ 35 एंड जो गर्ल्स है दैट इज़ 30। अगर असीं इस नूं एक एरे फॉर्म दे विच लिख दिए तां देन दिस इज़ कॉल्ड अ मैट्रिक्स। सो है कि बेसिकली एक कुछ नंबर्स है जिन्हां नूं असीं एक सिस्टम दे विच लिखिया होया तां यही है एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स दैट इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। एंड हुण असीं इस दे विच देखांगे अगे जो इस नूं डिफाइन कीता जांदा तां कुछ रोज़ होंदी है एंड कुछ कॉलम्स। तो जो हॉरिजेंटल है दैट इज़ रोज एंड वर्टिकल आर कॉलम्स। तो हॉरिजेंटल जो फर्स्ट है दिस इज़ रो वन एंड रो वन जो रिप्रेजेंट कर रही है वो किसनों कर रही है फर्स्ट ईयर दे स्टूडेंट्स नो बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड सेम एज रो सेकेंड किसनों रिप्रेजेंट कर रही है सेकेंड ईयर दे स्टूडेंट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड थर्ड रो थर्ड ईयर दे स्टूडेंट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स। ओके एंड उस तो बाद की है कॉलम्स। कॉलम जो है दिस इज़ कॉलम वन एंड कॉलम वन की रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली बॉयज़ मीन्स बॉयज़ और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर ऑल क्लासेस एंड सेम एज कॉलम टू की नो रिप्रेजेंट कर रहा है गर्ल्स नो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर दी सारिया गर्ल्स नो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम टू। सो एक्चुअल जो डेफिनेशन है मैट्रिक्स ही दैट इज अ सेट ऑफ एम एन नंबर्स। एम एन मीन्स मल्टीप्लाई दे विच है एम एंड एन टोटल नंबर जो है एम एन होंगे। एम एन नंबर्स ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री अप टू सो ऑन ए एम एन अरेंज इन अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एम रोज एंड एन कॉलम्स। मीन्स की है टोटल नंबर जो है वो एम एन नंबर होंगे एंड जो नंबर्स है उन्होंने ये नोटेशन दी गई है। तो इसनों अरेंज किया गया है किसी रैक्टेंगुलर एरे दे विच जिदे विच की होंगे एम रोज होंगे एंड एन कॉलम्स होंगे। जो जनरल मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन है इस दे विच वो की होएगी सपोज फर्स्ट एलीमेंट दिस ए वन वन then one one means first row and first column next element is a one two the first row second column next element is a one three means first row third column and up to so on first row row जो है इसी first ही लिख रहे हैं so first row and last column की होएगा total column कितने अपने को n the last column की होएगा n now second row है तो टू कॉलम फर्स्ट वन देन सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम नेक्स्ट सेकेंड रो थर्ड कॉलम एंड अप टू सो ऑन जो नेक्स्ट है अपने को आएगा रो सेकेंड है एंड कॉलम की है लास्ट लास्ट मतलब एंथ कॉलम सेम एज थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम एंड अप टू सो ऑन थर्ड रो एंथ कॉलम। इस तरीके असी सारिया रोज़ लिखते जावे तो दैन लास्ट रो की आएगी टोटल रो अपने को एम रोज तो लास्ट रो की आएगी एमथ रो एंड कॉलम कि फर्स्ट कॉलम नैक्सट दे विच रो सेम है एमथ रो एंड कॉलम ए सैकेंड This is mth row and column is third and up to so on last row
mth and column is nth. अगर ऐसी इसनों एक एरे दिफ विच लिख दिए तो दिस इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स. सपोज दिस इज ए मैट्रिक्स. एंड एक चीज़ हमेशा ध्यान से रखना कि जो मैट्रिक्स है उसनों कैपिटल लैटर दे नाल डिनोट किया जाता है एंड जो इसके एलीमेंट्स है उन्होंने स्मॉल लैटर दे नाल डिनोट किया जाता है. सो इस टाइप नाल असी एक मैट्रिक्स नू रिप्रेजेंट करते हैं इन जनरल फॉर्म दे विच जिस दे विच टोटल एम एन एलीमेंट्स है. देखो लास्ट एलीमेंट इज एम एन. सो स्टार्ट फ्रॉम ए वन वन एंड एंड फ्रॉम एम एन. एंड नंबर ऑफ रोज किनी होनगी एम. देखो वन टू थ्री अप टू सोन एम लास्ट. एंड उस तो बाद कॉलम किन्ने हैं वन टू थ्री और लास्ट इज एन. द टोटल एन कॉलम है. दिस मीन्स ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज एम क्रॉस एन. मीन्स द नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स. तो दिस इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स का ऑर्डर की है एम क्रॉस एन. एंड अगर असी जनरल फॉर्म दे विच इसनू लिखांगे मैट्रिक्स ए तो असी इन्ना सारा मैट्रिक्स हर बार लिखांगे तो बहुत टफ रहेगा. बट असी इसनू एक छोटी एंड ईजी नोटेशन देने हैं ए आई जी इन मैट्रिक्स फॉर्म एंड हेयर ऑर्डर इज एम क्रॉस एन. सो जो ए मैट्रिक्स है शॉर्ट फॉर्म दे विच यही मैट्रिक्स नू रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो सारे एलीमेंट्स है वो स्मॉल ए आई जे है एंड आई जे जो है वो वेरी कर रहे हैं एम ते एन दी वैल्यू दे अकॉर्डिंगली. और जो मैट्रिक्स है जो साइज ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का दैट इज एम क्रॉस एन. हेयर एम जो है एम वेरी करेगा सॉरी जो आई है वो वेरी करेगा फ्रॉम वन टू एम बिकॉज रो जो है वो कितनी है एम. तो आई जो है वो फर्स्ट जो इंडिसेस है वो रो नू डिनोट करता है. देखो रो वन वन है फिक्स एंड रो टू दे विच टू है फिक्स एंड रो थ्री दे विच थ्री फिक्स है. तो जो फर्स्ट एलीमेंट है रो नू रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो रो वन तो लैके कितों तक होगी टोटल रो कितनी है एम. एंड जो जे इंडिसेस है जे किस नू रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम नू. तो कॉलम कितनी है टोटल एन. तो वन टू एन वेरी करेगा. देखो कॉलम दे विच जे सेकंड जो इंडिसेस है वो फिक्स हो रहा है. फर्स्ट कॉलम है तो की आ रहा वन फिक्स है एंड सेकंड कॉलम है तो की इतने टू फिक्स है एंड थर्ड कॉलम है तो इतने थ्री फिक्स है एंड लास्ट एंथ कॉलम है तो ये एन फिक्स है. ओके क्लियर. बेसिकली अगर एग्जांपल लीए थ्री टू एट टू माइनस वन थ्री दिस इज अ मैट्रिक्स एंड ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज नंबर ऑफ रोज किन्नी है इसके विच वन टू टू एंड नंबर ऑफ कॉलम्स किन्ने वन टू थ्री एंड दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू क्रॉस थ्री. एंड टोटल एलीमेंट इसके विच किन्ने होंगे तुसी मल्टीप्लाई करना टू एंड थ्री नू टू एंड थ्री इंटू सिक्स. तो टोटल एलीमेंट्स किन्ने इस मैट्रिक्स के विच सिक्स. सो जो डेफिनेशन दे विच दिता होया टोटल एलीमेंट किन्ने होंगे एम एन. मीनस जो ऑर्डर है मैट्रिक्स है उसनों मल्टीप्लाई करना है एम इंटू एन. और सर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स. टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स तो सब तो पहले अपने को जो मैट्रिक्स की टाइप है दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स. व्हेन नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स
ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਦੈਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆ ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਮ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮਸ ਨੂੰ ਐਨ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮ ਅਤੇ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਨ ਦੈਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆ ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਸਪੋਜ਼ ਇਨ ਜਰਨਲ ਫੋਰਮ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ A11, A12, A21, A22। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆ 2x2 ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2, ਐਂਡ ਕੋਲਮ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? 2। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆ ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਅਗੇਨ ਅ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਫ ਆਰਡਰ 3x3। ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਇਜ਼ 3 ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਲਮਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ 3। ਸੋ ਐਮ ਐਂਡ ਐਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਫ 3x3 ਆਰਡਰ। ਬੋਥ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਐਂਡ ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵੈਨ ਐਮ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਐਨ। ਜਦੋਂ ਐਮ ਐਨ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਲਮਸ। ਮੀਨਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਲਮਸ, ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ A11, A12, A13, A21, A22, A23। ਸੋ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦਿਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਜ਼ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਇਜ਼ 2 ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਲਮਸ ਇਜ਼ 3। ਸੋ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦਿਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਜ਼ 2x3। ਸੋ ਐਮ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਐਨ ਮੀਨਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਲਮਸ। ਸੋ ਦਿਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਜ਼ ਆ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ, ਵੱਧ ਮਤਲਬ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਨ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫੋਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2, 3, 1, 4, -1, 5, ਸਪੋਜ਼ ਦਿਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਿੰਪਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਆ 2x3 ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਅ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਉਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗਨਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਇਗਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਡਾਇਗਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਡਾਇਗਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਡਾਇਗਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਹੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆ। ਤਾਂ ਇਨ ਜਰਨਲ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਆਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ, I(V1, JV1 ਐਂਡ ਦਿਸ I(V2 ਐਂਡ JV2, ਮੀਨਸ ਆਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਜੇ। ਆਪਾਂ ਜਰਨਲ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ? AIJ, ਇੰਡੀਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆਈ ਅਤੇ ਜੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਈ ਅਤੇ ਜੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ A11, A22। ਤਾਂ ਦੀਸ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਡਾਇਗਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। 2x2 A2 ਹੋਣਗੇ ਐਂਡ ਇਨ 3x3 ਦੇ ਵਿੱਚ A11, A22, A33। ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜੋ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਡਾਇਗਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਇਗਨਲ ਆਫ ਦਿਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਕਲੀਅਰ?
सो इन टू क्रॉस टू दे विच टू एलिमेंट्स एंड इन थ्री क्रॉस थ्री दे विच थ्री एलीमेंट्स. सो जिन्ना ऑर्डर होएगा मैट्रिक्स का उन्हीं वे एलीमेंट्स मिलने, जिन्हें लिए आई तो जे की वैल्यू वन है तो वो डायगनल एलीमेंट्स होंगे. ओके क्लीयर. तो डायगनल एलीमेंट्स की होंगे अपने को, ए आई जे ओ वाले सारे एलीमेंट्स हो गए फॉर विच आई इज इक्वल्स टू जे, जिन्हें लिए आई तो जे इक्वल होएगी. तो जनरल फॉर्म के ए वन वाला एलीमेंट होएगा, ए टू टू एलीमेंट होएगा, ए थ्री थ्री एलीमेंट होएगा एंड अप टू सो ऑन. लास्ट अगर अपने मैट्रिक्स का ऑर्डर एन क्रॉस एन है तो एन क्रॉस एन जो है तो लास्ट एलीमेंट होएगा. डेफिनेशन जो मैं थोड़ा प्रॉपर नहीं करवा रही, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज किसी भी बुक तो जो तुम टॉपिक करते हैं तो वह सारिया डेफिनेशन ऑलरेडी उत्थे लिखी हुई होंगे. तो जस्ट इन्हों का मतलब देख लो, इन्हों का मतलब है कि है डायगनल एलीमेंट्स. उस तो बाद आप डिफाइन करेंगे नैक्सट टाइप मैट्रिक्स की, दैट इज़ डायगनल मैट्रिक्स. हुण डायगनल एलीमेंट्स थोनों क्लीयर है, डायगनल तो एलीमेंट्स केड़े होंगे है जिन्हों लई आई तो जे की वैल्यू इक्वल होंगी है. तो हूँ नॉन डायगनल एलीमेंट्स की होंगे, नॉन डायगनल एलीमेंट्स होंगे, नॉन डायगनल एलीमेंट्स वो सारे एलीमेंट ए आई जी जिन्हों के लिए की होएगा आई नॉट इक्वल्स टू जे होएगा. तो ये सारे की है नॉन डायगनल एलीमेंट्स. तो जो सारे नॉन डायगनल एलीमेंट्स है ये सारे जीरो होंगे, ए आई जे सारे की होंगे जीरो फॉर विच आई नॉट इक्वल्स टू जे. मीनस ये सारे एलीमेंट नॉन डायगनल एलीमेंट्स है तो उस वो मैट्रिक्स अपने को की होएगा डायगनल मैट्रिक्स होएगा. सपोज अ मैट्रिक्स ए वन वन जीरो जीरो ए टू टू, दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ टू क्रॉस टू मैट्रिक्स एंड टू क्रॉस टू मैट्रिक्स के लिए देखो कि है आई तो जे दोनों इक्वल है. सो इन दोनों एलीमेंट्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट जो ए एलीमेंट्स है आई तो जे इक्वल नहीं है बिकॉज दिस इज़ अ ए वन टू मैट्रिक्स, ए वन टू एलीमेंट एंड दिस इज़ ए टू वन एलीमेंट. तो ए वन टू जा ए टू वन ये आई तो जे इक्वल नहीं है, सो ये एलीमेंट की होंगे जीरो. इन्हों की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल असी सिंपली एग्जाम्पल देने तो की होएगा, सपोज वन जीरो जीरो टू, सो दिस इज़ अ डायगनल मैट्रिक्स. मीनस इस दिन जो डायगनल एंट्रीज हो बाकी जो है वो जीरो, डायगनल तो बिना बाकी जीरो. थ्री क्रॉस थ्री के अगर असी एक एग्जाम्पल लीए तो ए वन वन जीरो जीरो जीरो, ए टू टू जीरो जीरो जीरो, ए थ्री थ्री, मीन्स ओनली डायगनल एलीमेंट्स. ओके तो डायगनल एलीमेंट्स जो है इन्हों दी अपनी चॉइस नाल कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ये जीरो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, इन्हों की कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट इन्हों छड के जो बाकी सारे है ये फिक्स है कि ये जीरो ही होंगे. तो इस टाइप की कोई एग्जाम्पल लवेंगे, टू जीरो 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 थ्री जीरो 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 फाइव, सो दिस इज़ अ थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स विच इज़ अ डायगनल मैट्रिक्स. एंड अगर तुम किसी भी एलीमेंट की जगह इतने जीरो भी लिख दो दैन भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट ए एलीमेंट्स की वैल्यू तुम अपनी चॉइस नाल कोई भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अपने लिए की है ये जो थ्री जीरोज है फिक्स होनी चाहिए हैं एंड इधर भी जो अपने को थ्री जीरोज है फिक्स होनी चाहिए है. एंड दिस डायगनल इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल डायगनल. इस डायगनल नूं असीं सिंपली डायगनल बोल देने हैं जां फिर इसनों की कहने असीं प्रिंसिपल डायगनल. उस तो नैक्सट है टाइप विच इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर
मैट्रिक्स, जो स्केलर मैट्रिक्स है वो डायगनल मैट्रिक्स ही होएगा। देखो जो आपा कीता होया एग्जांपल दे विच, पहला की कीता है स्क्वायर मैट्रिक्स, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो की हुंदी है डायगनल मैट्रिक्स, जो मतलब स्केयर मैट्रिक्स है उसनों ही असी डायगनल दे विच रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डायगनल मैट्रिक्स दे विच। एंड हुन जो डायगनल मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स अगे की होएगा स्केलर मैट्रिक्स, बट इन्हों सारे मैट्रिक्स दे विच की हुंदी है एक एक प्रॉपर्टी न्यू ऐड हो जाती है। जो स्केयर मैट्रिक्स है वो एलीमेंट कुछ भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो डायगनल मैट्रिक्स है वो की है नॉन डायगनल एलीमेंट सारे जीरो होने चाहिए है, तो डायगनल दे एलीमेंट है जोड़े कुछ भी हो सकते हैं। बट हूँ अपने कोल की है स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स लिए की होएगा, हूँ डायगनल दे एलीमेंट्स जो है वो अपनी मर्जी नाल कुछ भी नहीं ले सकते आप, मीनस वो सारे एलीमेंट हूँ की फिक्स हो जाएंगे। सपोज ए 2x2 मैट्रिक्स है, A110, 0, A22, तो इस दे विच की है जो डायगनल एंट्रीज है उस दे विच ए होएगा कि ए एलीमेंट फिक्स होएगा, मीनस ए दोनों एलीमेंट्स इक्वल लेने हैं, ले आप कुछ भी सकते हैं बट दोनों डिफरेंट नहीं होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए है। सो सपोज करो 2002, सो इस दे विच की है ये दोनों एलीमेंट्स जो है वो सेम है, इक्वल है। सो नेक्स्ट इन 3x3 मैट्रिक्स, सपोज दिस इज 300 030 003, सो इस मैट्रिक्स दे विच अपने कोले की है सारे डायगनल एलीमेंट्स की है 3 3 है। सो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स, सो ए मैट्रिक्स जो है दैट इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स। ओके क्लियर। एंड नेक्स्ट टाइप इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, द नेक्स्ट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो इस मैट्रिक्स दे विच की होएगा सारे एलीमेंट्स जो है वो की होने चाहिए है सेम होने चाहिए है, मीनस ये स्केलर तो ही असी नेक्स्ट टाइप लिख रहे हैं, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है जो स्केलर मैट्रिक्स का होएगा, मीनस वो मैट्रिक्स इस फॉर्म का ही होएगा। सो डायगनल एलीमेंट्स जोड़े है वो सेम होने चाहिए है, बट इस मैट्रिक्स के विच अपने को ले की हो जाता है डायगनल एलीमेंट्स जो है वो फिक्स हो जाते हैं, मीनस इस दे विच की है वो वन ही होनी चाहिए है, सिर्फ वन और कुछ नहीं होएगा। स्केलर मैट्रिक्स दे विच की सी असी एलीमेंट इतने सेम लेना सी, बट कोई भी एलीमेंट ले सकते हैं 1 2 3 4 दी जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, बट इस दे विच की है ये वन ही फिक्स होएगा, वन तो इलावा तुसी होर कोई वैल्यू नहीं लोगे। ओके तो दिस इज 3x3 मैट्रिक्स विच इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड नेक्स्ट इन 2x2 दिस इज 1 0 0 1, एंड सेम एज 4x4 मैट्रिक्स इज 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1, द डायगनल एलीमेंट्स जो है सारे वो की होंगे 1। एंड सिंपली असी इस नूं लिखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स नूं आई नाल डिनोट किया जाता है, तो जो आई मैट्रिक्स है उसनों असी लिखते हैं एन क्रॉस एन दे विच आई एन, बिकॉज ये सानूं पता है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होएगा वो स्केयर मैट्रिक्स होएगा। अगर स्केयर मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे, सो नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों एन होंगे, तो असी सिंपली इस नूं आई एन दी नोटेशन देने हैं। सो एक ही अपने को एक 2x2 मैट्रिक्स है, तो इसनों सिंपली की लिखेंगे I2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद ऑर्डर 2, एंड दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद ऑर्डर 3, सो I3, एंड दिस इज ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 4x4, सो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। ओके एंड नेक्स्ट टाइप इज अ नल मैट्रिक्स, नेक्स्ट टाइप इज नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स की होंगे, नल मैट्रिक्स दे विच सारे एलीमेंट्स ए आई जी वो की होंगे है 0 फॉर ऑल आई एंड जे, फॉर ऑल आई जे लिए मैट्रिक्स की होएगा 0, तो इस मैट्रिक्स ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स होवे इसका जो
मैट्रिक्स का साइज है, वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वेयर भी, मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी इक्वल हो सकती हैं। जिवें ए मैट्रिक्स है, दिस इज़ 2x2 मैट्रिक्स एंड 0 0 0 0 0 0 0 एंड दिस मैट्रिक्स इज़ अ 2x3 मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बट एक कंडीशन ही है कि सारी एलिमेंट इस दे विच की होंगे 0। तो इसको नल मैट्रिक्स भी कहने हैं और इसनों जीरो मैट्रिक्स भी कहने हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड अ जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप इज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स की होंगे है जिस दे विच आर दी वैल्यू फिक्स हो जाती है, मतलब नंबर ऑफ रोज़, जिस दे विच नंबर ऑफ रोज़ फिक्स हो जाती है, दैट इज़ वन, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। सपोज अपने को एक मैट्रिक्स है ए, तो उस दे विच एलीमेंट्स है 2 1 3, तो इस दे विच की है रो 1 एंड कॉलम किन्ने भी हो सकते हैं, कॉलम ते कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इस दे विच कॉलम है 1 2 3, द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 1x3। तो इस दे विच रो किन्नी है 1, तो इस दे विच रो ऑलवेज 1 होएगी। होर मैट्रिक्स ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 3, दिस इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ 1x2, इस दे विच नंबर ऑफ रोज़ किन्नी है 1 एंड कॉलम किन्नी है 2। तो कॉलम इतने वेरी कर सकते हैं, कॉलम डिफरेंट हो सकती है, बट नंबर ऑफ रोज़ किन्नी रहनी अपने को ऑलवेज 1। सो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। एंड नेक्स्ट इज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स दे विच की होएगा, सेम एज नंबर ऑफ कॉलम इज 1, तो इस दे विच नंबर ऑफ कॉलम जो है वह की होंगे अपने को 1 होएगा, फिक्स होएगा। तो नंबर ऑफ रोज ये विच किनिया भी हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो सपोज मैट्रिक्स ए इज 1 2, द नंबर ऑफ रोज इज 1 2, 2 है एंड नंबर ऑफ कॉलम किन्ने इस विच ओनली 1, तो दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स। एंड फॉर एग्जाम्पल लेट बी 1 5 7, सो इस दे विच नंबर ऑफ रोज किन्नी है 1 2 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 1। एंड सपोज एनी मैट्रिक्स सी 2 0 5 10, सो इन दिस मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इज 1 2 3 4 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 1। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ अ कॉलम मैट्रिक्स। आई होप तुहानू ये समझ आ गया होना सारा। अगर मेरी वीडियो चंगी लगी तो लाइक जरूर करो एंड सबसक्राइब माई चैनल, तो मैं थोड़े लिए न्यू वीडियोज़ होर भी बनावगी बाकी चैप्टर्स लिए भी। तो इस द चैप्टर भी अजे तक अपना पेंडिंग है, सो नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।